नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। राजगढ़ में एक आरोपी द्वारा पहले नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाया गया और उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कृत्य भी किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव का रहने वाला वीरेंद्र बागरी अपहर्ता के साथ पढ़ाई करता था। 3 फरवरी को तलेन के ग्राम बारवा खुर्रम से अपहर्ता को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले गया और उज्जैन में किराए के मकान में रहने लगा। वहीं पर नाबालिग के साथ दुष्कृत किया था। पुलिस ने उज्जैन के बहादुरगंज मोहल्ले के एक किराए के कमरे से बालिका को बरामद किया और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये घटना है 3 तारीख की, 4 कोस की एक महिला प्रेम भाई निवासी बारवा की है। उन्होंने बताया थाने पे आके कि उसकी नाबालिग बच्ची को कहीं बिना बताए चली गई है, कोई बेला फुसला कर ले गया। तो उसमें से थाना आजा में अपराध क्रमांक 40/20 धारा 363 कायम किया। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार बार निर्देशित किया जितने नाबालिग बच्चे घूमे हों उसमें कड़ी नजर रखें, बराबर पतारसी कर दें, जिसमें काफी मशक्कत हुई बाद और काफी तलाश के बाद पता चला कि ये अपनी बच्ची दादी के यहाँ जगोटी ग्राम जगोटी आगर में वहां पढ़ती थी। तो उसी गांव का बीरेंद्र बागरी है लड़का। तो पता चला कि भूल गया, तो यहाँ से पुलिस टीम गई। उसको कल दिनांक 28/5/2020 को दोनों को पकड़ के ले आए, उसको दस्तियाब कर लिया, नाबालिग का उसकी गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र को लड़की का बच्चों की बच्ची का मेडिकल परीक्षण करा के आज 164 का कथन कराया गया।